एक तरफ ग्राम पंचायतों को स्वच्छ बनाने के लिए सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के ही निचले स्तर के जिम्मेदार निहित अधिकारी राशि को हड़प कर अपना घर भर रहे हैं। सतना जिले की मझगुआ जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत अर्जुनपुर में ग्रामीणों ने ग्राम रोजगार सहायक राजेश कुमार यादव पर शौचालय निर्माण के हेराफेरी सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि रोजगार सहायक राजेश कुमार यादव ने शौचालय निर्माण पीएम आवास योजना निर्माण में काफी गोलमाल किया है। हमारा जो रोड है, मतलब हम गांठी से संध के निकलते हैं, मोटरसाइकिल भी संधा के निकालते हैं, जो पानी बहाते हैं रोड में हम उनको मना करते हैं, लड़ने के लिए तैयार होते हैं। वहाँ नाली बंद करते हैं तो भी लड़ने के लिए तैयार होते हैं। प्रधान को बोलते हैं, प्रधान मतलब बोलते हैं हम पैसा निकलवा लिए हैं, लेकिन जब हम उनके पास जाते हैं दोबारा तो बोलता है पैसा नहीं आया। हम लोग को बहुत अकराश है, लेकिन वहाँ गए नहीं गए रोड बनवा रहे। रोड जो भी बनती है तो बीच बीच बना देते हैं, और पूरी मेन रास्ता कहाँ तक खुला है उसी तरह संधा हुआ पूरा एकदम, आप जाके देख लीजिए। मैं ग्राम पंचायत अर्जुनपुर का हूँ, मेरा नाम तीरथ प्रसाद मिश्रा है। हमारे ग्राम पंचायत में इतनी धांधली गर्दी मची है कि जिसका कोई हद नहीं। रोजगार सहायक मुझसे कहा कि 10,000 रुपये आप दीजिए, आप यदि कॉलोनी चाहते हैं, तो मैंने 10,000 रुपये देने के लिए इनकार कर दिया, तो मेरे नाम की कॉलोनी में जो है उसने पक्का लिख दिया और अपात्र कर दिया। इसी तरह जो PCC रोड बनी है तो मेरे पट्टे की अराजी से बनी है, मैंने कहा इसको नपवाइए आप, इसमें नीचे मुरुम डलवाइए, कत्तल डलवाइए, इसके बाद बेस बराबर करिए, इसके बाद डलवाइए, तो ठीक है। ज़बरदस्ती धमकी घुड़की दे करके मेरे अनुपस्थिति में ये PCC रोड बनवा दिया है, जो कि मैं कलेक्टर साहब के यहाँ जो है आवेदन किया था, कोई जांच नहीं हुई आज तक। और जो मनरेगा का काम है पूरा जो है मशीनों द्वारा ट्रैक्टर द्वारा हो रहा है, और कोई और मैंने CM हेल्पलाइन में शिकायत किया था, जिसका नंबर जो है 10,54,52,16 है, आज तक कोई जानकारी नहीं हुई है। इस तरह की धांधली गर्जी है हो रही है और शासन का पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। रेणु कुमार रवि है, ग्राम पंचायत अर्जुनपुर का निवासी हूँ। मेरे सबसे पहले मेरे बड़े भाई साहब का लेटरिन घर तैयार हुआ था बनके, इसके बाद रोजगार सहायक द्वारा सूचना मिली कि आपका भी लेटरिन घर पास है, और मेरी माता जी सुखदैया वर्मा नाम है उसका भी पास है, उन्होंने कहा ठीक है। इसके बाद एक कोई टेंडर वालों को लेकर उन्हें आए बनवाने के लिए, हमने मना कर दिया कि हमें टेंडर में नहीं बनवाना है, ये सही तरीके से नहीं बनाते, हम लोग खुद बनाएंगे, 4-6-10 दिन के बाद हमारी कटाई उटाई हो जाए बनाएंगे। इसके बाद जब हमको समय मिला खेती किसानी से, तो हम बोला कि भैया हमें अपना वो बनवाना है। इसके बीच में इन्होंने क्या किया कि हमारे भाई साहब के लेटरिन में ही उसके सामने खड़ा करवा करके इन्होंने मोबाइल के जरिए फ़ोटो हमारी खींचा। बोला भैया क्यों कर रहे हैं दूसरे के लेटरिन में हमारी फ़ोटो क्यों? बोला हुआ इसे करना पड़ता है। इसी तरह मेरे बाद फिर मेरे तीसरे दिन मेरी माता जी का उसी लेटरिन में खींचा फ़ोटो। फिर इसके बाद हमने कहा कि भैया हम अपना लेटरिन घर बनवा रहे हैं, बोला तुम्हारी माता जी का नाम सूची से कट गया है। इसके बाद हमने पता किया कि भाई दिखाइए सूची कहाँ है, अगर कट गया होगा तो आपकी सूची से कटा होगा। फिर बोला वो मैं सिक्योरिटी नहीं हूँ, सिक्योरिटी उमा सिंह है, कोई और सिंहारे है, इस तरह बताते आज तक मुझे जो है उसकी जानकारी नहीं बताई गई।